के स्कीम सोचा है वो कौन सी स्कीम है बोलिए गौर से सुने उसे बोलिए। अरे एक स्कीम सोचा है अगर वो काम हो जाए कहानी नहीं सुनाओ हमें ये साफ साफ बताओ किस तरीके से 20 लाख आएगा। बेटा जी आजकल की बहुए गहना जेवर की बहुत शौकीन होती है। सही बात है। हम गंगा को प्यार से बुलाएंगे और कहेंगे हम विदेश जाकर सोने चांदी या उसके आभूषण बनवा कर लाएंगे, तुम्हें राजरानी बना कर रखेंगे सूरत घर में। हमारा बिजनेस अमेरिका में चलता है और बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए कम है। हमारी बात मान जाएगी और 20 लाख रुपए देकर जरूर है। अरे वाह बेटे शाबाश, तुम्हारा दिमाग में कंप्यूटर निकला। अगर ऐसा करो तो बताए चाहिए, हमें 20 लाख चाहिए। भैया क्या बात लगता है आपके डैडी पागल हो गए हैं? पागल नहीं हुए, बच्चों की खुशी में खुश होकर जा रहे हैं। खुश होकर जा रहे हैं। दुनिया की देख रेख करो, हम चलते हैं प्यारी प्यारी गंगा के पास। भैया कोई काम से गए हैं, आते ही होंगे। ठीक है, कुर्सी लगाओ, मैं आराम करूंगी। चलता हो क्या विद्या गंगा के पास? आखिर किस तरह से गंगा को मना होगा? अरे हम तुम चोरी से चोरी से
धन्यवाद स्वामी जी। महानामा बनाओ बेटा, तू देश सिंह को पहलिया मत बुझाओ। हम जानते हैं कि हमारे मम्मी डैडी अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, इसलिए तुम नाराज रहा करती हो स्वामी जी। लेकिन हम तुम्हारे पति होने के नाते, अरे तुमसे कब तक दूर रहेंगे जंगा, मेरे पास आओ। आज हम तुम्हें अपने दिल की बात बताएंगे। आप मारेंगे नहीं, हम तुम्हें आज के बाद कभी नहीं मारेंगे। आज तक जो कुछ भी तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम होते रहे, उनका मुझे भी दुख है, लेकिन आज के बाद तुम्हें कोई नहीं सताएगा। रणधीर सिंह का वादा है। आओ आओ फिर आओ मेरे सिंह। कितना अच्छा लग रहा है आज, कितना सुहाना मौसम है गंगा। तुम ये नहीं जानती हो कि आज हम तुमसे बिछड़ कर कितनी दूर चले जाएंगे। आप अब से दूर जा रहे हैं। आप ये गंगा देखो, दरअसल यहाँ बैठे बैठे हम करते क्या है, हमारा कारोबार और बिजनेस विदेश में चलता है। अगर हम विदेश नहीं जाते तो हमारा कारोबार बिगड़ जाएगा। लेकिन हमारे कारोबार में इस वक्त गिरावट आ गई। लेकिन स्वामी जी मैं जानना चाहूंगी आप कहाँ जा रहे हैं, बता। सब कुछ बता मुझे, सब कुछ बताओ।
है कि सीधे से काम बन जाए तो अच्छा है। लेकिन बड़ी पुरानी कहावत है कि सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है। जो काम सीधे नहीं बनता वो स्टार को रंजीत सिंह टेढ़े बनाता है। के पास कुछ नहीं है तो चंदर बैठेदार और तेरे पिता फिर भी कहती है पैसा साधन है तो याद रखो हम तुम्हारे बदन में खान नहीं रखेंगे। तो जाओ याद हो जाओगे Thank you.
नहीं मारूंगा। इसी तरह घुट घुट के मरोगी सूरजगढ़ की हवेली में, सूरजगढ़ की हवेली में राज रानी नहीं बल्कि नौकरानी। साली जी इससे अच्छा मुझे जहर दे दो, जाओगी तो याद रहे। अरे याद रहे 3 दिन और याद रहे 20 लाख रुपए। अगर 20 लाख में 50 कौड़ी कम हो गए, 20 लाख में 50 कौड़ी कम हो परवल सिंह है। परवल सिंह मेरे पति और मैं रहती हूँ। अच्छा अच्छा
और तुम्हारे नैहर में कौन कौन आता है? शराब ये सारी बातें क्यों पूछते हैं? वो मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, बस मेरे नैहर में दो ही लोग हैं। तुम्हारे भैया का क्या नाम? मेरे भैया का नाम आकाश है। लेकिन सर मेरे भाई ने कोई ऐसी कोई गलती की कि कोई गुनाह किया जो आप मेरे भाई को पूछ रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ एक बहन अपने भाई को नहीं पहचान रही है। ऐसा हो सकता है कि एक बहन अपने भाई को ना पहचाने? मैं तो तरस गई हूँ अपने भाई को देखने के लिए। मेरी आंखें तरस गई है, यहाँ तक कि मेरा भाई मुझसे मिलने नहीं आया। मैं ही तेरा भाई आकाश हूँ। क्या पागल? अरे तू रो क्यों रही है? Yeah.
मुलाजिम है। क्या परेशानी है? मेरे पति जी ने मुझे बहुत मारते। तेरे पति मारते हैं? और मेरी सास, सास भी मारती है तुझे? मारते हैं। मदद हो सकेगी जहां तक करूंगा। क्या मदद हो सकेगी और कहां तक करूंगा? और तुम्हारे पति को मैं समझाए पति को भली भांत समझाऊंगा। नहीं भैया, वो नहीं समझेगी आपके समझाने। चाचा मैंने हाथ पैर उनके चरणों में अपना सर रख दिया। जब मेरी नहीं माने तो आपकी क्या मानेगी? ठीक है भैया, चलाएगी समझाना, लेकिन मेरी सासू मारी भैया, आप जाओ यहाँ से, क्योंकि वो देखते ही मुझे मारेगी। अरे आने तो अपनी सास को। नहीं भैया, बगैर उससे हम बात किए यहाँ से नहीं जाएंगे। वो मुझे बहुत मारेगी भैया। नहीं बहन, मैं हाथ जोड़ दिया आपने सामने। तो क्या करती हो बहन? मेरी नाकी की शौकत दे पाएगी तुम्हें? मेरी नाकी की शौकत बहन, अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। अपना ख्याल रखना मेरी बहन। हमें बहन चल जाना भैया। हम कोई बात सोचे तो राखी की कसम दिला देती क्या भैया? लेकिन आज अपना बोल नहीं कह गए ऐसा भैया। आने में साली अपनी सासू माँ को छह महीने बाहर निकालूंगा। तो उसके साथ जो साला भड़ुआ है ना, भड़ुआ बोले, उसके साले को ऐसी मार मारूंगा साले मोहता तक भी करेगा। जाओ बहन, बहुत जल्द आऊंगा और तेरी सासू का चौतरा फुला दूंगा साली का। कोठे वाली सवाया हरजाई को बोलो। वो कौन आया था? वो मेरे भैया। तेरे भैया थे कि तेरे सैया थे? नहीं माची, मेरे देखा भैया हरो, अभी तक तो गुड्डी लखनकों की बुलाती थी, अब पुलिस वाले भी नहीं लगाना चालू कर। वो मेरे धरत के भाई थे, मैंने उनकी कलाई में राखी बांधा है। माँ ऐसा मत कहो।